जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती का नाम लेकर आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 10th चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2 टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस मेथड से, फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यह हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको किससे सोल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। मैंने आपको एक्सरसाइज बचे 2.2 में पॉलिनोमियल्स में भी फैक्टर करना सिखाया था। कैसे करते थे, जब सेम साइन होता है तो मैंने बताया था आपको नीचे आते हैं, माइनस तीन से छोटा क्या होगा आपके पास, माइनस चार एक्स प्लस का एक्स हो जाएगा। अब प्रोडक्ट देखते थे, बाहर वालों की प्रोडक्ट कितनी आपके यहाँ पे माइनस टेन एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे फोर वन जा फोर हुई, ठीक है, इससे छोटा फिर माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स हो जाएगा, फाइव टू जा टेन एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। याद रखना जो बीच वाला सम है इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए और प्रोडक्ट बाहर वालों के इक्वल होनी चाहिए आपकी, तो क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहां पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां पे अब आपका क्या कॉमन आ गया, मैंने बताया था इन दोनों से कॉमन लेंगे x, यहाँ पे क्या रह गया x और यहाँ पे x माइनस फाइव, इन दोनों के अंदर से कॉमन प्लस टू कॉमन और x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब क्या कॉमन आ रहा है आपका, x माइनस फाइव, x माइनस फाइव कॉमन, यहाँ पे x और यहाँ पे टू इज इक्वल टू जीरो। मैंने बताया था आइदर x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, यहां से x की वैल्यू आपकी क्या आ गई फाइव और यहां से x की वैल्यू आपकी क्या आ गई माइनस टू। ठीक है, ऐसे आप फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं चलता हूं फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट भी सेम बचे, लेकिन यहाँ पे साइन एक प्लस का है एक माइनस का है, डिफरेंट साइन थे तो मैंने बताया था ऊपर जाओगे। अब यहाँ पे वन है, वन से बड़ा क्या होता है आपका टू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सम तो टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स होगा। ठीक है, टू वन जा टू, हमें कितना चाहिए, सिक्स टू जा ट्वेल्व चाहिए। अब थ्री एक्स माइनस टू एक्स, थ्री टू जा सिक्स हुआ नहीं हुआ। अब फोर एक्स माइनस थ्री एक्स, फोर थ्री जा कितना होता है आपका, आपका माइनस ट्वेल्व होता है। तो यहां से टू एक्स के या ये फैक्टर हो गया प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। यहां पे कॉमन लेंगे बच्चे तो आपका टू एक्स कॉमन, क्या कॉमन आ गया टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे रहेगा आपका x और यहाँ पे प्लस टू, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है माइनस थ्री कॉमन, यहाँ पे x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से x प्लस टू कॉमन, x प्लस टू कॉमन, तो यहाँ पे क्या रह गया टू एक्स, यहाँ पे माइनस थ्री कॉमन माइनस थ्री। ठीक है, यहाँ पे आइदर वही लिखेंगे, आइदर x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी माइनस टू और यहां से इस साइड लेके जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा बच्चे, यह हो जाएगा 2x इज इक्वल टू थ्री और x इज इक्वल टू थ्री बाई टू। तो आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया बाई फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, आप ऐसे ही इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट। अब अंडर रूट वाला देखते ही मुझे आप कंफ्यूज हो जाते हो, डर जाते हो, लेकिन डरना नहीं है, सिंपल मैंने बताया था साइन सेम, क्या है आपके साइन सेम, तो हम कहां जाएंगे नीचे आएंगे। ठीक है, हमें सम तो सेवन एक्स चाहिए, अब प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट चेक करेंगे तो प्रोडक्ट बताया था बाहर बाहर वालों के प्रोडक्ट, तो फाइव अंडर रूट टू की प्रोडक्ट अंडर रूट टू के साथ और साथ में एक्स स्क्वायर भी है। ठीक है, यहां पे करेंगे तो फाइव अंडर रूट टू टेन हो जाएगा, फाइव टू क्या हो जाएगा, ये आपका फाइव है, ये टू हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, अब फाइव टू जाए टेन एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट टेन एक्स स्क्वायर चाहिए, सम कितना चाहिए सेवन एक्स, बिल्कुल इजी हो गया आपका। ठीक है, कैसे, हमें पता है सेवन एक्स, दोनों साइन सेम है तो हम क्या आएंगे नीचे आएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस एक्स, ये तो सिक्स वन जा सिक्स नहीं हुआ प्रोडक्ट, अब इससे नीचे फाइव एक्स प्लस टू एक्स, अब फाइव टू जा टेन होता है, टेन एक्स स्क्वायर आ गया प्रोडक्ट, तो यहां से टू एक्स। ठीक है, यहां पे फैक्टर क्या आ गया आपके, फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव अंडर रूट टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसे लिख देंगे फैक्टर, अब कुछ नहीं करना, कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, एक्स कॉमन आ गया बस। ठीक है, तो यहां पे अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो दोनों के अंदर टू है, अंडर रूट टू है दोनों के अंदर, तो अंडर रूट टू कॉमन, यहां पे अंडर रूट टू एक्स बच जाएगा, यहां पे आपका अंडर रूट टू चला गया फाइव बच जाएगा। ठीक है, अब दोनों के अंदर से कुछ कॉमन, हाँ अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव कॉमन, यहां से एक्स, यहां पे आपका एक्स प्लस अंडर रूट टू, यहां से अब आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, तो अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज अंडर रूट टू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस फाइव।
ठीक है, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस फाइव बाई अंडर रूट टू। और बच्चे एक बार याद रखना रैशनलाइजेशन मेथड, अंडर रूट हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो क्या करेंगे अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और अंडर रूट टू से डिवाइड कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा आपका क्या हो जाएगा, ऊपर तो माइनस फाइव अंडर रूट टू और नीचे अंडर रूट टू टू हो जाएगा। ठीक है, यहां पे भी सेम एक्स प्लस अंडर रूट टू इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका माइनस अंडर रूट टू। तो आपकी क्या आ गई है, वैल्यूज आ गई। ठीक है, आप ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि सेम साइन है तो हम नीचे चले जाएंगे और प्रोडक्ट बाहर वालों के इक्वल लेके आएंगे। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट टू थर्ड पार्ट थे, आप फोर्थ पार्ट आप खुद कर लेंगे, मैं फिफ्थ पार्ट और डिस्कस करता हूं। फिफ्थ पार्ट आपका है 100x² - 20x + 1 100x² - 20x + 1 = 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, कैसे करेंगे, मैंने बताया था साइन डिफरेंट है। ठीक है, अब ऐसे आपको पता भी लग जाता है, प्रोडक्ट कितनी चाहिए आपकी 100, सम कितना चाहिए -20। तो देखना -10x - 10x ये क्या होता है, -10 × 10 = 100 हो जाएगा। बच्चे प्रोडक्ट कितना आ गया आपका 100 आ गया। ठीक है, और सम कितना आ गया आपका -20। तो आपके फैक्टर क्या हो गए, -10x - 10x + 1 = 0। वैसे भी कर सकते हैं बच्चे, मैंने बताया था -20 से अब साइन डिफरेंट है तो बड़ा, -20 से बड़ा -19x + ठीक है आपका -x हो जाएगा, फिर -18x प्रोडक्ट करते चलेंगे साथ ही साथ, फिर क्या हो जाएगा -2x आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट में आप -10x - 10x के ऊपर आ जाएंगे, ये फैक्टर बन जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे इनको कर सकते हैं, फैक्टर बन गया आपके पास। तो हम कैसे करेंगे, इनके अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है आपका 10x कॉमन। ठीक है, अब यहां पे क्या लगा है 10x और यहां पे -1, यहां से भी कुछ कॉमन माइनस आपका -1 कॉमन, यहां पे 10x - 1 = 0। ठीक है, यहां पे 10x - 1 कॉमन, यहां पे क्या रह जाएगा आपका 10x - 1। ठीक है, वही सिंपल बचे 10x - 1 = 0, 10x = 1, x = 1/10, और यहां से भी x = 1/10 आ जाएगा। ऐसे आप इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब मैं सीधा चलता हूं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है आपका, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो हमें टू नंबर फाइंड आउट करने हैं, उनका सम 27 है और प्रोडक्ट कितनी है आपकी 182। तो नंबर लेट कर लेते हैं बच्चे, लेट फर्स्ट नंबर हमने एक्स लेट कर लिया, सेकंड नंबर क्या होगा हम लेट कर लेते हैं, सेकंड नंबर वाई। कहता है सम कितना गिवन है x + y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x + y 27, यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 27 - x। ठीक है, अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी वन वेरिएबल में होती थी तो हम एक ही वेरिएबल में ले आएंगे। अब कहता प्रोडक्ट x * y = हमें कितना गिवन है बच्चे 182। ठीक है, 182। अब आपकी y की वैल्यू क्या है, x * 27 - x = 182। सॉल्व करेंगे तो आपका 27x - x² = 182। अब इन दोनों को साइड लेके जाता हूं, आपका क्या हो जाएगा x² - 27x + 182 = 0। ठीक है, अब फैक्टर करेंगे, यहां से फैक्टर करेंगे तो यहां पे देखेंगे कि कितना किसका सम -27 है और प्रोडक्ट 182 है, तो सिंपल आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी -14x - 13x। ठीक है, 14 × 13 = 182 होता है। सिंपल कैसे करेंगे, नीचे आएंगे बच्चे, तो दोनों साइन डिफरेंट है तो -26x - x से स्टार्ट करेंगे, फिर -25x - 2x हो जाएगा, फिर आपका -24x - 3x हो जाएगा। ऐसे करते करते आप कहां पे पहुंचेंगे, -14x - 13x। ठीक है, एक बार ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, बाद में आपकी डायरेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की, फिर आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है x कॉमन x - 14, यहाँ से -13 - x - 14 = 0। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई आपके x - 14 कॉमन, यहाँ पे x - 13 = 0, यहाँ से x की वैल्यू 14 और x की वैल्यू 13 आ गई। ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूं, मुझे इसके अंदर 14 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी, यदि 13 पुट करता हूं तो आपकी y की वैल्यू आपकी 14 आ जाएगी। तो आपके नंबर क्या क्या होंगे, 13 और 14 होंगे। ठीक है, ऐसे आप नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, 13
14 का सम तो कितना होता है 27 और प्रोडक्ट कितनी होती है आपकी 182। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 36। अब बच्ची आपको मैंने बताया था कंजुगेटिव कैसे होते हैं, वन के बाद टू आता है, टू के बाद थ्री आता है, फोर के बाद फाइव आता है, ऐसे होते हैं कंजुगेटिव। यदि एक्स लेट करूंगा तो एक्स के बाद एक्स प्लस वन आएगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर क्या लेट कर लिया एक्स, सो सेकेंड नंबर अब क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है हमें, सम ऑफ हूज स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दें और सम कर दें, सम भी कर दिया और स्क्वायर भी कर दिया, कितना गिवन है 365। ठीक है, सिंपल। अब यहां से एक्स स्क्वायर, यहां पे इसका ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू 365। अब सिंपल, यहां पे टू एक्स स्क्वायर, यहां पे आपका टू एक्स हो गया और इस साइड लेके आएंगे प्लस वन माइनस 365 इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा माइनस 364। अब टू से डिवाइड कर देता हूं, टू से डिवाइड करूंगा तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, यहां पे कितना हो गया माइनस 182 इज इक्वल टू जीरो। यहां पे बच्चे 182 आ गया। लास्ट ही फैक्टर थे आपके, क्या थे, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू जीरो। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है आपका, यहां से x कॉमन, x माइनस 40 प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, तो x आपका क्या हो जाएगा यहां पे, x माइनस 13 कॉमन तो x प्लस 14 हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे x माइनस 13 और x प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 14। ठीक है, अब कहता जी आपका यदि मैं पॉजिटिव लेना था बच्चे तो x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यदि x 13 है तो आपका सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 तो आपका क्या हो जाएगा फिर 14 आ जाएगा, क्योंकि इसने बोला था हमें कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 less than its base. If hypotenuse is 13 centimeter, find the other two side. ठीक है, मैं let कर लेता हूं, मुझे let base is x centimeter. ठीक है, फिर कहता है altitude. So altitude is क्या हो जाएगा हमारा 7 less है तो x minus 7 centimeter. ठीक है, अब hypotenuse given है हमें 13 centimeter. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या एल्टीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम होती है बच्चे, ये लगा देंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो आपका 13 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो आपका 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर। आप नाइन्थ में पढ़ के आए थे क्या होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहां पे लगाएंगे तो बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू आपका 7। ठीक है, यहां पे 169 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहां पे प्लस 49 ये माइनस 14x हो जाएगा। इसको उस साइड लेके जाता हूं बच्चे, उस साइड लेके जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां से 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ पे आपका माइनस 169 होगा और ये प्लस का 49 है तो आपका माइनस 120 इज इक्वल टू जीरो। यहां से 2 से डिवाइड कर देता हूं पूरी कंप्लीट इक्वेशन को, डिवाइडिंग बाय 2 तो आपका माइनस 7x हो जाएगा, माइनस 60 इज इक्वल टू अब जीरो। अब इसके फैक्टर करते हैं, अब फैक्टर करते हैं साइन सेम है, मैंने बताया था बच्चे साइन सेम होता था नीचे आते हैं, माइनस 7 से छोटा माइनस 8, ठीक है, माइनस 8x प्लस का x, ठीक है, उसके बाद ये 8 बन जा, हमें 60 चाहिए प्रोडक्ट, 8 बन जा 8 हुआ, उसके बाद 9x प्लस का 2x, 9 2 जा 18 हुआ, नहीं हुआ, फिर 10x प्लस 3x ये भी 30 हुआ, उसके बाद आपका करेंगे 11x प्लस 4x ये कितना हुआ आपका, ये हो गया 44, नहीं हुआ आपका 12x प् 5x, अब 12 5 जा 60 होता है तो ये आपका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे पुट करेंगे तो आपका माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इनको, अब मैं ठीक है इसको सोल्व करता हूं, अब सोल्व करेंगे तो आपका यहां से x कॉमन x माइनस 12, यहां से आपका क्या कॉमन आ गया प्लस का 5 कॉमन x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से x माइनस 12 कॉमन तो x प्लस 5 इज इक्वल टू
जीरो, यहां से x की वैल्यू 12 आ गई, x की वैल्यू माइनस 5 आ गई। क्या बेस आपका नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 12। सो एल्टीट्यूड इज, हम एल्टीट्यूड इज, ठीक है, हमें एल्टीट्यूड भी निकालना था, 12 माइनस 7 क्या आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो बेस 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड आपका 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ था। उसके बाद चलता है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each article was 3 more than twice of number of article produced on that day. If the total cost of production on that day is 90 rupees, find the number of article produced and cost of each article. ठीक है, हम कैसे करेंगे बच्चे, हम लेट कर देते हैं, हमें क्या कंडीशन क्या गिवन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लेट करेंगे। अब कहता है इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज वॉज थ्री मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज एक्स। ठीक है, एक्स लेट कर लिया। अब कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी बच्चे आपकी, हमें कहता है कि ट्वाइस से थ्री ज्यादा है तो 2x+3 हो जाएगी। ठीक है, हमें टोटल कॉस्ट गिवन है, तो टोटल कॉस्ट हमें गिवन है कितनी है बच्चे 90 रुपीज। अब आप खुद से अज्यूम कीजिए, आपको कोई खिलौना लेना बच्चे, आपने एक खिलौना 5 रुपए का लिया, आपने टोटल 10 खिलौने लिए, तो उनकी दोनों की प्रोडक्ट करोगे तब भी आपकी क्या आएगी, टोटल कॉस्ट 50 रुपीज आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही तो आप किसकी, एक्स इंटू 2x+3 = आपकी कितनी है 90 रुपीज आपको गिवन है। ठीक है, आप प्रोडक्ट करेंगे तो 2x² + 3x ये = 90, इस साइड लेके आऊंगा तो बच्चे -90 = 0 हो जाएगा। अब फैक्टर करते हैं, अब सिंपल, ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मेरी जैसी ही प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चे। तो आपका 15x - 12x - 19 = 0, क्योंकि 15 × 12 = 180 होता है। ठीक है, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है x कॉमन, ठीक है, यहां पे आपका हो जाएगा 2x + 15, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है आपका, यहां से क्या कॉमन आ गया -6 कॉमन, तो आपका x 2x + 15 हो जाएगा। ठीक है, = 0, यहां से कुछ, अब 2x + 15 कॉमन और यहां से x -6 = 0, यहां से 2x + 15 = 0, सो 2x = -15, x = -15/2, सो x = -7.5। ये क्या आप बच्चे आर्टिकल 7.5 प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो x - 6 = 0, सो x = 6। तो उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, 6, एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी थी बच्चे, 2 × 6 + 3, तो आपका 12 + 3, तो आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी आर्टिकल 6 प्रोड्यूस हुए और एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 थी, तो 15 × 6 का कितना होता है आपका 90 होता है। ठीक है, ऐसे आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 थी।